असली नंबर भी शेयर करने का सोच रहा हूँ, क्योंकि जब बिहार पुलिस है ना भाई, कैरियर कब आते हैं तो उसके लिए तो अपना नंबर शेयर कर ही सकते हैं ना। तो मैं अपना एक नंबर लिया हूँ, वो मैं आपको शेयर करूँगा। 7 अगस्त से अपना बिहार पुलिस का एग्जाम होने वाला है, तो बिहार सर में सेंटर पड़ेगा। दूर के लोग आएंगे तो उनको लोकेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसी कारण से ट्रेन से आओगे ना, जो भी दूर से, उनके लिए ये वाली वीडियो ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। अपन लोग यहाँ से सारा जगह का डिस्टेंस आपको कंप्लीट बताएंगे, कितना डिस्टेंस यहाँ से पड़ेगा। और गाइस ये देखो, पहले वाला दाग अभी तक है। ये देखो पूरा नाखून ना एकदम टूट चुका था, यहाँ से पूरा फट चुका था एकदम। बिहार शरीफ से बाहर से वो लाइक इधर, अगर ये वाली फ्लाईओवर, पहला फ्लाईओवर के पास उतरोगे ना, तो आपको इधर से ही इधर से बाहर निकलोगे, यहाँ पे सकते अपन लोग। ये भी ट्रेन से आप लोग आ सकते हो एग्जाम देने के लिए। बट हाँ, बिहार पुलिस टाइम कुछ स्पेशल ट्रेन ऐसा चल सकता है, मे बी होप कि ऐसा हो, ऐसा होगा। ये देखो कैसे बैठा हुआ, गुस्सा हो गया भाई। हम ही लोगों से गुस्सा है क्या भाई? ये देखो बहुत सारे पैसेंजर्स भी आ रहे हैं, लाइक बहुत सारे पैसेंजर्स भी यहाँ पे उतरे हैं, बहुत सारे। प्लस वो ट्रेन जा रही है, और इधर की साइड देखो 2 नंबर पे आई थी, ये 3 नंबर है, उधर की साइड 4 नंबर। 3 नंबर 4 नंबर पे तो अभी स्टार्ट ही नहीं करा भाई ट्रेन। प्लस आगे की साइड देखो ना, तो मैं आपको 3 नंबर प्लेटफॉर्म 4 नंबर प्लेटफॉर्म दिखा। तो जय श्री राम गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारी वीडियो देख रहे होगे। सो गाइस, अभी अपन लोग रेलवे स्टेशन आए बिहार शरीफ का, क्योंकि हाल ही में 7 अगस्त से अपना बिहार पुलिस का एग्जाम होने वाला है। तो इसी से रिलेटेड अपन लोग आज वीडियो बनाने वाले, क्योंकि काफ़ी दूर दूर का पड़ता है ना सेंटर यहाँ पे बिहार शरीफ में। तो बिहार शरीफ में सेंटर पड़ेगा, दूर के लोग आएंगे तो उनको लोकेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसी कारण से ट्रेन से आओगे ना, जो भी दूर से, उनके लिए ये वाली वीडियो ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। अपन लोग यहाँ से सारा जगह का डिस्टेंस आपको कंप्लीट बताएंगे, कितना डिस्टेंस यहाँ से पड़ेगा। प्लस बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन आपको दिखाएंगे, कितना अच्छा रेलवे स्टेशन बन चुका है। उसके बाद आपको सेंटर कितना दूरी पड़ेगा ना, एग्जैक्ट लोकेशन बताएंगे। तो वीडियो में बने रहना, वीडियो कहीं भी स्किप मत करना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना का, जब वीडियो को देखना। और जिसका भी बिहार पुलिस का एग्जाम है, जिसका बिहार शरीफ में नालंदा, राजगीर, हरनौत, बख्तियारपुर और फिर बेना, ये सब जगह आप लोगों को सेंटर पड़ी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को तो बिल्कुल भी मिस मत करना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। और हाँ, जो सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है ना, उसको भाई प्रेस कर देना, सब्सक्राइब्ड उस पर शो कर देना चाहिए, तब जाके आपको और भी अच्छा अच्छा वीडियो मिलेगा। तो चलो करते वीडियो को स्टार्ट गाइस। सो गाइस, जैसा कि देख सकते हो, ये अपना बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन है। लाइक इधर से अगर कोई डिस्टेंस वाला पटना की तरफ से इधर पड़ेगा ना बिहार शरीफ, तो आप लोग इधर के साइड से आओगे, इधर के साइड से आगे जाओगे तो आपको नालंदा मिलेगा, जो भी पावापुरी ये सब मिलेगा, सारा कुछ होते नालंदा, राजगीर, सारा चला जाएगा। तो ये अपना बिहार शरीफ का रेलवे स्टेशन है। पहले 2 ही प्लेटफॉर्म थी गाइस, लेकिन अभी बन के, मैंने पिछला भी वीडियो में आपको दिखाया था, अभी बन के ना काफ़ी चौड़ा हो चुका है। प्लस वो देखो उधर फ्लाईओवर है ना, वो भी न्यू बनी है, मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ। बट पहले आपको प्लेटफॉर्म दिखा देता हूँ, यहाँ पे कितना सारा प्लेटफॉर्म है। सो गाइस, अभी अपन लोग 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे थे, वो वाली 1 नंबर थी, ये वाली 2 नंबर प्लेटफॉर्म है, और फिर ये वाली 3 नंबर प्लेटफॉर्म है, और उधर की साइड 4 नंबर, और एक लास्ट में उस साइड है 5 नंबर। टोटल 5 प्लेटफॉर्म बन चुकी है। लाइक वो लास्ट वाली है ना, वो तो अभी पूरी तरीके से चालू नहीं हुई है, बट ये 4 चालू हो चुकी है। बट उस पर थोड़ा सा 4th नंबर पर ना दौड़ जा रही है, जो कि मैं क्लियर कर दूंगा आगे जाने के बाद। और यहाँ पर कुछ बैठने सब वाला बन रहा है, पानी के लिए, सॉरी, पानी पीने वाला यहाँ पर बनेगा, जो कि अभी बना नहीं, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि रेलवे स्टेशन ना ये वाली फुली तरीके से कंप्लीट हो जाएगी 2025, अराउंड लास्ट 2025 तक पूरी तरीके से रेडी हो जाएगी, बनकर तैयार हो जाएगी। अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन में, लेकिन 2025 एंड तक 100% बन के तैयार हो जाएगी। तो आप लोग देख सकते हो, ये 2 नंबर प्लेटफॉर्म था, ये 3 नंबर है, और फिर वो वाली 4 नंबर, और उधर के साइड एक 5 नंबर। 5 नंबर का मेरे को कुछ नॉलेज है नहीं, बट हाँ 4 नंबर अभी अच्छे से चालू नहीं हुआ, 3 नंबर भी चालू नहीं हुआ। जो भी आता है ना, 1 और 2 पे ही ट्रेन चलती है, 3 नंबर 4 नंबर ये सब पे नहीं चलती। अभी बस ऐसे ही 4 नंबर 3 नंबर पे एक ट्रेन रखा हुआ बस डेमो के लिए। और ये देख रहे हो, ये बिहार शरीफ का बोर्ड भी लगा हुआ है, बिहार शरीफ जंक्शन, पहले स्टेशन थी बट अब जंक्शन बन चुकी है। मतलब 5-6 साल पहले से जंक्शन बन चुकी थी, बट उससे पहले स्टेशन ही था नॉर्मल सा ही है। सो अभी मैं और अभिषेक दोनों जा रहे हैं, आपको स्टेशन दिखाएंगे। ये देखो, ये अभिषेक है भाई, हाई कर दे। तो अभिषेक भी आज साथ में, कुछ बोल नहीं रहा क्योंकि इसका तबीयत ख़राब है, थोड़ा बहुत सुस्त लग रहा है। प्लस इधर की साइड देखो, 2 नंबर प्लेटफॉर्म, प्लस कुछ लोग इधर बैठते भी है, और उधर देखो पानी वानी बैठने वाला उधर भी है, और उधर की साइड से पानी वाला नल लगेगा। प्लस ये देखो,
ये देखो अभी तैयार भी नहीं हुआ था, नॉर्मली से बना था, उसको लोग मतलब तोड़ फोड़ के कैसे कर दिए। नल बल लग गया था यार, फिट हो गया था, लेकिन देखो लोग कैसे तोड़ दिए यार। तोड़ने के बाद का सीन देखो, पानी पीने वाला था, ये लोग तुरंत से बनते के साथ तोड़ देते, इसीलिए तो कुछ बनता नहीं है ना भाई ऐसा। तो जब पूरा स्टेशन बन जाएगी ना, उसके बाद ये सब बनेगा ना, तो सारा CRPF ये सब सारा कुछ रहेगा, तो उससे थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिलेगी सारे लोगों को। और एक और देखो गाइस, यहाँ भी पानी पीने वाला था, मतलब बना ही था। देखो कुछ कुछ नल तो ऐसे ही लगा हुआ है, बाकी सारा ऐसे ही कवाड़ दिया है। क्या भाई, मतलब जब पूरा बनेगा ना, तो जब तक RPF यहाँ पे नहीं आएगी ना, तब तक यहाँ का कोई सुधार नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे भाई। तो भाई जब पूरा कंप्लीट होगा, उसके बाद चारों तरफ से कवर हो जाएगा ना, उधर से बाउंड्री पड़ जाएगी, इधर पीछे के साइड से बाउंड्री पड़ जाएगी, उसके बाद RPF सबका एंट्री रहेगा और TTA सब भी रहेंगे। उस टाइम का जुगाड़ काफ़ी अच्छा हो जाएगा। मतलब कुछ लोग कुछ भी गलती करने से पहले ना 10 बार सोचेंगे, बट अभी तो कुछ सोचते नहीं है। जहाँ पे कुछ मिल जाए वहाँ से ये लोग कबाड़ते हैं और फिर लेके घर चले जाते हैं भाई, बहुत अच्छा हो जाएगा। और गाइस ये देखो, पहले वाला दाग अभी तक है, ये देखो पूरा नाखून ना एकदम टूट चुका था, यहाँ से पूरा फट चुका था एकदम, जब मैं यहाँ से नीचे गिरा था ना। और ये स्लीपर भी था गाइस, बट फिर भी आज फिर से अपन लोग स्लीपर ही पहन के आए, तो यही वाला पूरा टूट गया था, लेकिन अब तो सही हो गया। तो ये अपना टूटने के जस्ट दूसरा वीडियो ये है, बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन का। टोटल मानो तो मेरा 3-4 वीडियो होगा, ये तीसरा या फिर चौथा वीडियो होगा बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन का, लेकिन ये नाखून टूटने के बाद ना मेरा दूसरा वीडियो है। और ये अपना फ्लाईओवर जो कि नया बना है, इसके साइड से अपन लोग ऊपर जाएंगे और फिर आपको ये फ्लाईओवर सारा कुछ दिखाएंगे, कैसा ऊपर के साइड बन चुका है, प्लस लास्ट प्लेटफॉर्म भी आपको फ्लाईओवर के थ्रू ही दिखाएंगे गाइस। और फिर जो भी आओगे ना बिहार शरीफ से बाहर से, वो लाइक इधर अगर ये वाली फ्लाईओवर पहला फ्लाईओवर के पास उतरोगे ना, तो आपको इधर से बाहर निकलोगे, यहाँ पे बहुत सारा ऑटो मिल जाएगा। आपको कौन सा कॉलेज करता है डिपेंड, वो करता है आप पे डिपेंड करता है। तो मैं एंड में आपको सारा कुछ बताऊंगा कौन सा कॉलेज कहाँ पे क्या पढ़ता है जो, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहना गाइस। सकते अपन लोग ये भी ट्रेन से आप लोग आ सकते हो एग्ज़ाम देने के लिए, बट हाँ बिहार पुलिस टाइम कुछ स्पेशल ट्रेन ऐसा चल सकता है, मे बी होप कि ऐसा होगा। ये देखो जैसा कि देख रहे हो, यहाँ पे उतरी ना, तो आप लोग उस तरफ उतरोगे, डायरेक्ट इस तरफ क्रॉस मत होना यार, पटरी से रिस्क मत लेना, उस तरफ उतरना, फिर वहाँ से फ्लाईओवर चढ़ना, जस्ट ये वाली फ्लाईओवर से इधर की साइड आओगे नीचे उतरोगे और फिर यहीं पे आपको ऑटो मिल जाएगी। तो मैं आपको एंड में बताऊंगा आपको कहाँ पे जाना है, तो कहाँ का ऑटो लेना पड़ेगा, कैसे क्या ऑटो लेना पड़ेगा, सारा कुछ आपको ईच एंड एवरीथिंग डिटेल्ड में बताएंगे, तो बस वीडियो में बने रहना गाइस। तो गाइस देख सकते हो यहाँ से सीढ़ी, प्लस उधर के साइड देखो यार, सारा कुछ क्रेन ये सब लगा हुआ, प्लस ऊपर देखो एक बंदर आया हुआ भाई, मतलब बहुत दिनों के बाद मैंने देखा ऐसे, अभी गए थे ना झारखंड कुछ दिन पहले ही, उस टाइम दिखा था, प्लस अभी के साइड देखो कैसे बैठा हुआ है, ये देखो कैसे बैठा हुआ, गुस्सा हो गया भाई हम ही लोगों से गुस्सा है क्या भाई, पलट पलट के देख रही है। पर चलो कोई ना, देखो कुछ लोग जा रहे हैं ना ऐसे ही, प्लस ये ट्रेन खुल चुकी है जो राजगीर की तरफ जा रही है, और देखो उधर से सारे लोग उतरेंगे और ऑटो ले लेंगे वहीं से। सो आपको भाई मतलब लाइव ट्रेन का भी दिखा दिया, प्लस देखो दोनों साइड से जो कवर अप किया हुआ ना, नीचे के साइड ट्रेन चलती है ना बिल्कुल ही, इसी कारण से कवर अप कर दिया गया। और इधर की साइड देखो, अभी ये देखो 2 नंबर प्लेटफॉर्म से ही जा रही है, 3 नंबर 4 नंबर तो चलता ही नहीं भाई, सिर्फ नाम का ऐसे ही है। ये देखो बहुत सारे पैसेंजर सभी आ रहे हैं, लाइक बहुत सारे पैसेंजर सभी यहाँ पे उतरे हैं बहुत सारे, प्लस वो ट्रेन जा रही है। और इधर की साइड देखो 2 नंबर पे आई थी ये, 3 नंबर उधर की साइड, 4 नंबर, 3 नंबर 4 नंबर भी तो अभी स्टार्ट ही नहीं करा भाई ट्रेन, प्लस आगे की साइड देखो ना, तो मैं आपको 3 नंबर प्लेटफॉर्म 4 नंबर प्लेटफॉर्म दिखाता हूँ मैं भी उतर के इधर के साइड से। तो ऐसे जाओ और यहाँ से डायरेक्ट नीचे उतरने वाला है, तो 4 नंबर के साइड देखो ना, तो मैंने पिछला भी वीडियो में आपको दिखाया था, इधर के साइड अगर एक और एग्जिट वाला बना दिया ना, तो काफ़ी धांसू हो जाएगा, बट देखो क्या होता आगे का मैं नहीं जानता हूँ। और फिर ये वाली तो 5 नंबर है, ये वाली 4 नंबर है, 5 नंबर पे अच्छा मालगाड़ी वाला पता नहीं, बट हाँ उधर की साइड अगर बन गया ना भाई स्टेशन 5 नंबर की तरफ, अच्छा वाला बहुत ही बड़ा बन सकता है, क्योंकि जगह काफ़ी ज़्यादा, 1 नंबर के पास भी है, देखो इन फ्यूचर कितना बड़ा बनता है वो वाली आगे की साइड स्टेशन, ये तो देखना काफ़ी अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा भाई देख बनने के बाद। और ये देखो अपना 4 नंबर आगे की साइड देखो, कुछ ऐसा सीन होता है भाई, सबसे आगे एकदम देख रहे हो कैसा सीन लग रहा है, ऐसा होता है कुछ सीन। 4 नंबर तो एकदम मतलब कंप्लीट कर दिया, लेकिन इस पे ना कोई ट्रेन आती ही नहीं है अभी फिलहाल तो, और ये तो आज से नहीं बहुत पहले से मैं खड़ा देख रहा हूँ ट्रेन को, मतलब कभी खुलती ही नहीं है वाली ट्रेन, लगता है मेरे को ऐसा डेमो ऐसा खड़ा कर दिया यहाँ पे लाके। और अभी अपन लोग बस आपको दिखाने के लिए आगे जा रहे हैं,
ट्रेन वाली, मतलब ये वाली पटरी दिखाने जा रहे हैं कितना बिजी है और फिर कितना फ्री है। ये वाली तो मेरे को पूरा फ्री लग रही है, कोई बिजी रूट ये वाली है नहीं। प्लस देखो इसका जो पटरी वाला जो रोड होता है ना भाई, जो पटरी बिछता है ना, ये वाली लोहा वाली, वो वाली देख रहे हो कैसे यहाँ से ऊपर गया, जट से ऐसे हो गया भाई, ऐसे एकदम कर्व की तरह ऐसे हो गया। देख लो वहाँ पे देखो कैसे ऐसे हो गया ना, देखो यहाँ से एकदम सीधा गया, ऊपर की साइड उठ गया, उसके बाद ऐसे नीचे लप गया, तो ऐसा हो गया। देखो मैं बोल रहा था ना जगह का बात गाइस, तो ये देखो जगह यार कितना सारा खाली जगह है। मैं उस दिन आपको ऊपर से दिखाया था ना, ये मैं अभी आपको नीचे से दिखा रहा हूँ। ये देखो जगह कितना खाली है, लाइक क्या होगा यहाँ पे पता नहीं, बट हाँ इधर का अगर यहाँ पे स्टेशन पीछे वाला बन गया ना 5 नंबर की तरफ, तो उधर से एंट्री कहाँ से होगा, कोई उधर वाला रूट से कैसे इधर आएगा। उधर वाला से तो आ सकता है, मेरे को एक रूट पता है, लेकिन इस साइड वाले से कैसे आएगा वो नहीं पता। स्थावा तरफ के तरफ से जब भी आएगा ना, तो 1 नंबर की तरफ से ही घूम के आना पड़ेगा, उधर से ऐसे आना पड़ेगा स्थावा से जो भी आएंगे वो। बाकी इधर तो स्टेशन काफ़ी बड़ा बनेगा अगर बनाएंगे तो, बट इन फ्यूचर क्या होता है ये तो मेरे को पता नहीं, बट देखो क्या होता है वो तो आगे ही पता चलेगा गाइस। सो फाइनली गाइस देख सकते हो ये पुराना वाला फ्लाईओवर है, लाइक ये 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे नहीं था, बस 1 नंबर 2 नंबर ही डाइवर्ट होती थी, जो भी ये लोग इधर उधर करते थे ना, 2 ही प्लेटफॉर्म थी, मैंने बोला था ना 1 नंबर 2 नंबर था, तो बस वही 1 नंबर 2 नंबर पे ही था, मतलब इधर उधर होते थे, पटरी क्रॉस करते थे। बट ये 3 नंबर बन गया, तो 3 नंबर के लिए कंफर्टेबल हो गया, लेकिन 4 नंबर के लिए आपको इधर से नहीं, आपको उधर ही आगे जाना पड़ेगा, तब 4 नंबर 5 नंबर पे आप जा सकते हो, वरना इधर से तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। इन फ्यूचर शायद ये भी एक और बन जाए तो अच्छा हो, शायद इसी में कनेक्ट कर दें 4 नंबर 5 नंबर की तरफ, तो और भी अच्छा होगा। प्लस अभी जो ट्रेन गई है ना, उससे बहुत सारे पैसेंजर उतरे हैं, और अभी कुछ लोग आगे से भी जा रहे हैं, क्योंकि उधर के साइड से भी ना देख सकते हो, उधर के साइड से भी आपको ऑटो मिलेगी, जो कि आपको जो उधर आदर्श कॉलेज है, बहुत सारा कॉलेज, 4-5 कॉलेज है, उधर भी बिहार पुलिस का सेंटर जाती है, तो उस उधर की तरफ जा रहे हैं कुछ लोग। सो ये देखो कुछ ऐसा भीड़ है आगे की साइड, वो 1 नंबर प्लेटफॉर्म है, उधर ही आपका टिकट घर ये सब होगा। तो मैं आपको पुराना वाला फ्लाईओवर पे चढ़ के ना, मैं आपको टिकट काउंटर ये सब दिखाता हूँ, कहाँ पे टिकट काउंटर है, प्लस कहाँ पे 1 नंबर से आप एंट्री ले सकते हो। देखो इंजन स्टॉप का ना यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है, यहाँ पे इंजन स्टॉप हो जाएगी, इसके आगे जाना मतलब इंजन स्टॉप है तो वहीं पे स्टॉप होना चाहिए, और यहीं पे होगी भी। प्लस इधर के साइड देखो बहुत सारे पैसेंजर्स भी हैं बैठे हुए, जो कि 1 बजे एक ट्रेन है पटना की तरफ जाने के लिए, शायद तिलैया एक्सप्रेस है ना 1 बजे, हाँ 1 बजे तिलैया एक्सप्रेस है, तो बहुत सारे पैसेंजर। प्लस ये पुराना वाला फ्लाईओवर है, इसे चढ़ के ना आपको 1 नंबर की तरफ लेके चलते हैं अभी भाई। चलो चलो भाई, देखा मैं काफ़ी फास्ट चढ़ता हूँ यार, और इधर के साइड से देखो यार क्या सीन लग रहा है अभी, जाली जाली है ना, जाली का बीच से देख रहा हो कैसा लग रहा है। प्लस वो न्यू वाला जो फ्लाईओवर है ना, उससे मैं आपको दिखाऊंगा ना, तो और भी अच्छा लगेगा। सो ये लो सामने के साइड एक तालाब भी दिख गया, बुकिंग कार्यालय, जो ऑनलाइन टिकट बुक यहाँ पे होती है देख सकते हो, रिजर्वेशन ऑफिस। सो फाइनली गाइस अभी अपन लोग नीचे के साइड आ चुके 1 नंबर, और मैं आपको रिजर्वेशन दिखाता हूँ कहाँ से आपको टिकट मिलेगी। ये दो काउंटर है, ओ भाई थक चुके हैं यार, और यहाँ से देखो आप लोग एग्जिट करोगे, यहाँ से एग्जिट करोगे और फिर यहाँ पे आपको टिकट मिलेगी, जनरल वाली इंफॉर्मेशन इंक्वायरी मिलेगी, प्लस यहाँ के साइड से आपको ऑटो मिल जाएगी। जहाँ भी जाना होगा ना सेंटर का हिसाब से, आप लोग कमेंट करना आपका सेंटर कहाँ पर पड़ा है, उसके हिसाब से आपको ऑटो का रेट, प्लस आपको कहाँ जानी है, कितना डिस्टेंस पड़ेगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ से मेन गेट का एंट्री है, एग्जिट है, प्लस एग्जिट होते हैं प्लस एंट्री भी यहाँ से लेते हैं कुछ लोग, प्लस यहाँ पे टिकट ये सब कटती है, जनरल जो भी हो जनरल लेना, प्लस इधर बस यही कुछ है। बिहार सिर्फ रेलवे स्टेशन आपको सारा कुछ दिखा दिया कहाँ पे आपको टिकट मिलेगी, प्लस 2 जगह से ऑटो आपको मिलेगी, 2 या 3 जगह, 1 जगह मैंने मिस कर दिया, जो कि आपको अगर आप लोग बोलोगे तो मैं अगला वीडियो लाऊंगा उसमें आपको दिखाऊंगा। प्लस आपको जहां भी सेंटर पड़े, बिहार शरीफ, राजगीर, नालंदा, हरनौत, बेना या फिर बख्तियारपुर, कहीं भी सेंटर मिले ना, तो मेरे को पर्सनली आप लोग मैसेज कर सकते हो, अगर कमेंट भी कर सकते हो यूट्यूब पे, अगर उस पर बाई चांस मैं इनएक्टिव अगर रहूँ ना ही कर पाऊँ
तो आप लोग प्लीज़ इंस्टाग्राम पे डीएम करना, मैं आपको ज़रूर वहाँ पे रिप्लाई करूँगा, आपसे बात करूँगा, आपको जहाँ भी लोकेशन है, आपको जहाँ भी सेंटर पड़ा है, कॉलेज भी कौन सा कॉलेज में, मैं वहाँ तक का वीडियो बनाऊँगा। प्लस अगर वीडियो नहीं बना पाया वहाँ तक का, तो मैं रेलवे स्टेशन के थ्रू आपको बताऊँगा, यहाँ से आप लोग यहाँ तक जा सकते हो ये कॉलेज तक, आपको इतने रुपये का चार्ज फेयर होगा वहाँ से ऑटो का। तो मैं ईच एंड एवरीथिंग सारा डिटेल मैं आपको वीडियो बना के बताऊँगा। तो प्लीज़ गाइज कमेंट करना, प्लस इंस्टाग्राम पे आप लोग डीएम जरूर करना, डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से जाके आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, मैं वहाँ से आपके डायरेक्ट बात करूँगा। प्लस मैं आपका पर्सनली नंबर भी शेयर करने का सोच रहा हूँ, क्योंकि जब बिहार पुलिस ना भाई कैरियर करवाते हैं तो उसके लिए तो अपना नंबर शेयर कर ही सकते हैं ना, तो मैं अपना एक नंबर लिया हूँ, वो मैं आपको शेयर करूँगा, आप डायरेक्ट मेरे को कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, कॉलिंग भी कर सकते हो। तो प्लीज़ गाइस जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना। तो बस यही कुछ था जो सोच रहे हैं यहाँ पे वीडियो को एंड करने के लिए। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना गाइस। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, जय श्री राम गाइस, हर हर महादेव, बाय बाय। इधर की साइड देख रहा हूँ अंडर कंस्ट्रक्शन है, इधर भी शायद जो बुकिंग काउंटर होगी ना शायद ट्रांसफ़र होकर यहाँ पे आएगी, या फिर गोडाउन बनेगा कुछ, मे बी होप, मेरे को कुछ नॉलेज नहीं है इसके बारे में, तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता, नहीं बता सकता, बट मेरे ऐसा ख्याल से गोडाउन बनेगा।